आज हम बनाएंगे जर्दा, इसे बहुत लोग मीठे चावल भी कहते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आते हैं और दावतों में इनका होना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इसी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप चावल लिए थे, इन्हें मैंने अच्छे से भिगो दिए हैं। 2 से 2.5 घंटे के लिए इसे हम अच्छे से भिगो देंगे और फिर हम इन्हें बॉईल करेंगे। ये मैंने बासमती राइस लिए हैं, तो देखिए मैं इसमें मैंने पानी डाल दिया है, बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि अच्छे से डूब जाएँ, क्योंकि हमें इनका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन ऑफ करना है ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो इसमें से बाहर आ जाए। तो इसमें मैंने अच्छा खासा पानी लिया है। अब इसमें हम 2 इलायची और 4 से 5 लौंग डाल देंगे। इनसे इनमें चावलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। हमें इन्हें 80 से 90% तक अच्छे से बॉईल कर लेना है। बहुत हल्का सा एक पॉइंट रहना चाहिए इनमें, तो इन्हें अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। इसे ढक देंगे और हम लो फ्लेम पे इसे कम से कम 20 मिनट्स तक पकने देंगे। तो देखिए चावल मेरे पक चुके हैं, 20 मिनट्स हो चुके हैं और ये अच्छे से पक गए हैं। थोड़ा सा है इनमें, एक थोड़ी सी कनक रह गई है, तो ये परफेक्टली। अब हम इनका सारा पानी निकाल देंगे। अब हम फिर से एक बर्तन लेंगे, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब उसमें हम ये 3 से 4 टेबलस्पून घी लेंगे और इसमें मैंने 2 इलायची और ले ली हैं, इनसे इनमें फ्रेग्रेंस अच्छी आ जाती है। तो ये 2 इलायची इसी के साथ हमने ले लिए और ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इसे हम गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें 2 कप शक्कर डाल देंगे। इसी के साथ में हम इसमें 1 कप से थोड़ा कम, 3/4 कप के आसपास इसमें हम दूध डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। हमें तब तक इसे चलाना है जब तक ये अच्छे से शक्कर पूरी इसमें मेल्ट ना हो जाए। कोई भी दाने नहीं रहने चाहिए, बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाने चाहिए। शक्कर की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे नॉर्मली किसी भी मीठी चीज़ में डबल शक्कर डालनी चाहिए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा शक्कर नहीं पसंद है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कम डाल रहे हैं। हमने 1.5 कप चावल लिए थे तो उसके लिए हमें 3 कप डालने चाहिए, लेकिन मैंने 2 कप ही डाले हैं क्योंकि मेरे घर में मीठा कम खाया जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप इसमें डबल डालें। तो शक्कर हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें बॉइल्ड चावल जो हमने रखे थे वो डाल लेंगे। तो सभी चावल डाल के हम अच्छे से शक्कर का जो मिक्सचर हमने बनाया था उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये शक्कर बहुत सारा पानी छोड़ेगी, तो हमें इसे थोड़ी देर हाई फ्लेम पे ही पकाना है। हमें इसे तब तक पकाना होगा जब तक इसका जितना भी पानी है वो सब अच्छे से सूख ना जाए। तो फिर सारा पानी हमें अच्छे से सुखाना है, हम इसे पकाएंगे। तो देखिए अब इसमें पानी आने लगा है बहुत सारा, तो हम इसे ऐसे ही ढक देंगे इसे। तो देखिए कितना सारा पानी आ गया है, इसमें बहुत सारा पानी दिख रहा है। बस हमें इसे सारा पानी सुखाना है, हम इसे हाई फ्लेम पे ही रहने देंगे और ढक्कन थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि। तो ये देखिए हमारे चावल ऑलमोस्ट रेडी हैं, पर लेकिन देखिए नीचे पानी है इसमें, तो हम अभी इसे थोड़ा सा और पकने देंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 35 मिनट्स लेगा और ये अच्छे से चावल पक जाएंगे, पानी पूरा सूख जाएगा। तो देखिए हम फिर से चेक करेंगे नीचे, तो इसमें अब पानी हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखिए पूरे चावल अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसकी ब्यूटी देंगे जो कि है इसके डिफरेंट कलर्स। तो मैं ये थोड़ा सा एक कॉर्नर पे ग्रीन कलर डाल रही हूँ, थोड़ा सा ये पिंक कलर, और ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर। तो ये थोड़े थोड़े कलर्स हमने डाले हैं ताकि थोड़े चावल वाइट हों, थोड़े ग्रीन हों, थोड़े पिंक और थोड़े ऑरेंज हो, सबका मिक्सचर हो बहुत सारा। थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, हमें जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको खोया वगैरह ऐड करना है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ढक के ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे।
तो एक घंटे बाद ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके कलर्स को देखेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है सब तरफ से। अरे तो थोड़ा सा गिर गया, कोई बात नहीं। इधर से हम देखेंगे ग्रीन कलर, बहुत प्यारे कलर्स आए हैं। ये सारे कलर्स जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा कलर सब आएंगे। कुछ रेड चावल हैं, कुछ पिंक हैं, कुछ ऑरेंज हैं, कुछ ग्रीन हैं, कुछ वाइट हैं, बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो अब हम सर्व कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इन्हें ट्राई करें, बहुत ईजी रेसिपी है, सबको सभी से बहुत अच्छी बन जाएगी और सभी को बहुत पसंद भी आएगी। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स में आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।